हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम 3x3 का एक एडवांस लेवल का क्यूब है ना सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बिगाड़ लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरा बिगड़ चुका है ना। अब सबसे पहले हम अपने यहाँ पे प्लस का एल को बनाएंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है। एक भी किसी भी एक कलर का प्लस बनाना है ना, तो उसे हम करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने ये प्लस वाइट कलर का प्लस बना चुके हैं, अब हम अपने कॉर्नर पीसेस को सेट करेंगे ना। सेकंड स्टेप, जैसा कि कॉर्नर पीसेस को सेट करना हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, और उसके कंप्लीट होते ही हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट, मतलब फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट लेयर है बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी सेकंड लेयर की बारी कहलाई, तो हम ये कॉर्नर पीसेस को लगाएंगे, सेट करेंगे। इन चारों पीसेस को लगाते ही हमारा सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है ना, और हमारा क्यूब लगभग तैयार होने ही वाला है। अब हम अपना लास्ट लेयर में, यहाँ लाइन मिल चुकी है हमें, तो यहाँ प्लस का निशान बनाएंगे हम। ये हमारा प्लस तो बन चुका दोस्तों। अब हमें इन पीसेस को मिलाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, इन पीसेस को सेट करना पड़ेगा। इसके लिए एल्गो होता है दोस्तों। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए बहुत ही स्लो आराम से बना रहा हूँ वीडियो, है ना। क्योंकि अब हमारे सब पीस सेट हो चुके हैं, केवल हमारे कॉर्नर पीस चार पीसेस रह गए हैं, जो कि दोस्तों ये देखिए आप, ये बिल्कुल सही जगह पे लगा है कॉर्नर पीस हमारा, बस थोड़ा घुमा हुआ है ना। तो यहीं से अपन एक और फार्मूला का यूज़ करते हुए सब पीसेस को सेट करेंगे। देखो दोस्तों, हमारे एक ये और एक ये सेट हो चुका है पहले से ही, केवल ये और इसको हमें सेट करना है। तो इसके लिए फार्मूला है R प्राइम D प्राइम, है ना। इस फार्मूले का यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा क्यूब तैयार हो चुका है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें, है ना।